एक दिन मैं और मेरे दोस्त ऑफिस के कैंटीन पर बैठे चाय पी रहे थे। मैंने जब उनकी जानिब गौर से देखा तो वो बुझे बुझे से थे। वजह पूछी तो कहने लगे, मुझे आज मरे हुए 3 साल हो गए। मैंने नज़रें उठाकर उनकी आंखों में देखा, जहां इस जुमले के साथ ही दुनिया भर की नकाहत उतर आई थी। फिर कहने लगे, मैं हमेशा से बदतमीज़ रहा। बचपन में स्कूल जाते हुए ज़िद करता, खाना खाते हुए ज़िद करता, नखरे करता, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। मुझे नहीं याद कि 5वीं क्लास तक मैंने अपने हाथ से नहाया, खाना खाया हो, कपड़े पहने हो या जूतों के तस्मे बंद किए हों। बाप, बहन और भाई की मोहब्बत मुझे न मिल सकी। प्राइमरी और मिडिल और फिर मैट्रिक तक यही आदत रही कि रात को सोने से पहले किताबें, कॉपियाँ, बैग, गर्ज तमाम चीज़ें इधर उधर बिखरी छोड़कर सो जाता। मगर सुबह आँख खुलते ही देखता कि तमाम चीज़ें बहुत सलीके से बस्ते में पड़ी हुई हैं और मेरा बैग बड़ी नफासत से मेज पर रखा हुआ है। मुझे लाख बार कहा जाता कि दूध पीकर सोना, मगर मैं नहीं पीता था। लेकिन जब सुबह उठता तो लबे शीरी, मुंह का जायका बदला होता। पहले पहल तो पता नहीं चलता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया कि रात को नींद में ही दूध पिला दिया जाता था। रात को कभी आंख खुलती तो देखता कि बारिश हो रही है और मुझ पर कंबल डाल दिया गया है ताकि सर्दी ना लगे। मुझे हमेशा घर में दो ही चीजों से चिढ़ रही, एक 11 से 13 घंटे तक हाथ से चलाई जाने वाली सिलाई मशीन से और दूसरी रोटी के किनारों से कि उन पर अक्सर घी लगने से रह जाता था। मगर रोटी के वो सूखे टुकड़े जो मैं उतार देता था, ना तो कभी घर से बाहर फरोख्त होते हुए देखे और ना ही कूड़ादान में कभी नजर आए। और जब भी मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं उसी सिलाई मशीन का रुख करता जिससे मुझे चिढ़ थी। जब भी मुझे कभी मामूल से हटकर ज्यादा पैसों की जरूरत होती तो देखता कि घर में सिलाई मशीन के चलने का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचता। मुझे याद है कॉलेज में दाखिले के वक्त मुझे 1500 रुपए चाहिए थे। मैंने घर आकर बता दिया। उसी रात 2 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो घर के बरामदे में कुछ खटपट होती हुई महसूस हुई। जरा गौर किया तो महसूस हुआ कि जैसे कोई घुटी घुटी सिसकियों के साथ रो रहा है। चुपके से बरामदे में जाकर देखा तो मोटे शीशे के चश्मा लगाए मेरी माँ जाने कब से मशीन में धागा डालने की मुसलसल कोशिश कर रही है और साथ साथ आंसू भी गिर रहे हैं। मैंने पूछा, क्या कर रही हो माँ? माँ ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और जल्दी से आंसू साफ करते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए बिल्कुल साफ आवाज में कहने लगी, वो सामने वाली सुरैया की भाई की शादी है तो इसने कहा कि सुबह तक 2 सूट सिलाई कर दो, इसलिए बैठी हूँ, लेकिन धागा सुई में नहीं डल रहा। इस दिन मुझे माँ की हालत और आंसू देखकर एहसास हुआ कि मुझे कोई छोटा मोटा काम करना चाहिए। मैं मुनासिब काम भी ढूंढता रहा और पढ़ता भी रहा। इधर FA मुकम्मल हुआ, इधर ऑफिस में काम मिल गया। मैंने घर जाकर माँ को बताया तो वो खुशी से निहाल हो गई। फौरी शकर पारे लाकर मोहल्ले में बांट दिए। एक दिन मैं काम से घर आकर लेट गया, थोड़ी थकावट हो रही थी, पांव चारपाई से लटकाए ही सो गया। जब उठा तो देखा कि खिलाफ मामूल आज न जूते मेरे पांव से उतरे थे और न ही खाना बना था। माँ को आवाज दी, माँ, माँ, है माँ, है माँ, माँ उठिए, उठिए, भूख लगी है। चीख चीख कर रोया, हजार मिन्नतें की मगर शायद माँ आपके बाद उठने के लिए नहीं सोई थी। माँ के बाद वो घर छोड़ दिया, गोया कब्रस्तान लगता था। इधर दयारे गैर में आकर अपना सारा काम खुद ही करता हूँ तो सोचता हूँ कि मैंने कभी चीज की खिदमत ना की और ना कभी आसाइश व सुकून उसे दिया। वो मेरी माँ थी, नौकरानी नहीं थी। ये कहते हुए मेरे उस दोस्त के 2 मोटे मोटे आंसू उसके रुखसारों पर बहने लगे। अल्लाह ताला मेरे और जिनके भी वालिदैन हयात हैं सबके वालिदैन को ईमान और सेहत के साथ खुश रखे। माँ बड़ी नेमत है, इसकी कदर कीजिए। माँ बड़ी नेमत है, इसकी खिदमत कीजिए। माँ बड़ी नेमत है, इसका एहसास कीजिए।